हेलो गाइस, आज हम एक बेस्ट एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। इसको आप एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हैं और एक बेस्ट सा स्कूल प्रोजेक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस वाले प्रोजेक्ट में हमें चाहिए होगा एक सोलर पैनल। देखिए, अब देख पा रहे हो सोलर पैनल। ये सोलर पैनल है 70x70x का सोलर पैनल RL, ठीक है। यहाँ पर मैं बड़े सोलर पैनल का यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आपके पास छोटा हो तो छोटा भी यूज कर सकते हैं, और दो छोटे या दो बड़े ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं इन दोनों का यूज कर रहा हूँ। ये 55x55 है, ठीक है। यहाँ पर ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 वोल्ट कर सकती है, और ये भी, ये दोनों सेम ही है, लेकिन साइज में भी फर्क है और थोड़ा बहुत वोल्टेज में भी इसका फर्क हो सकता है। बाद में हमें चाहिए होगा छोटे छोटे PVC पाइप के पीस, ठीक है। यहाँ पर मैं एक बड़ा ले रहा हूँ और एक छोटा ले रहा हूँ, ठीक है। एक बड़ा और एक छोटा है। यहाँ बड़े में बड़ा सोलर पैनल यूज करने वाला है और छोटे में छोटा सोलर पैनल, ठीक है। बाद में हमें चाहिए होगा टू स्विच। देखिए, ऑन स्विच, टू स्विच। देखिए, यहाँ पर ये ऑन हो रहा है, यहाँ पर ऑफ हो रहा है, ठीक है। ये पुश स्विच बोलते हैं इसको, ऑनो स्विच भी आता है, ठीक है। ऑनो स्विच इसको मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसको रुको, ये वाली इसको ऑनो स्विच नहीं बोलते, इसको बोलते हैं पुश स्विच। और मैं आपको अभी जो दिखाने वाला हूँ इसको बोलते हैं ऑनो स्विच। देखिए, यहाँ पर ये ऑनो स्विच है, इसको बोलते हैं इसको पुश स्विच, ठीक है। बाद में हमें चाहिए होगा एक जम्पर वायर, ठीक है। यहाँ पर मैं 1 मीटर जम्पर वायर लेके आया हूँ। आपको जितना इसमें फिटिंग करना है उस तरह से आप ये जम्पर वायर ला सकते हैं, ठीक है। पर लकड़ी के छोटे छोटे पीस को मैंने एक में चिपका कर एक बड़ा सा बॉडी तैयार कर लिया है, ठीक है। आपके पास पूरा बॉडी हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं था तो मैंने छोटे छोटे टुकड़े को एक में चिपका दिया है, ठीक है। इसलिए हमारा पूरा बॉडी रेडी हो चुका है, ठीक है। तो अभी इस बॉडी में हम कलर करने वाले हैं, तो आओ कलर करते हैं। तो अब हम इसमें कनेक्शन करने वाले हैं और बाद में PVC पाइप लगाने वाले हैं, ठीक है। अभी हमने सोलर पैनल में देखिए, आप हमारा कनेक्शन पूरा रेडी हो चुका है। देखिए, यहाँ पर मैंने सोल्डरिंग की मदद से सोल्डरिंग कर लिया है। देखिए, जम्बो हमारा, ये जम्बो सोलर पैनल और ये मिनी सोलर पैनल, ठीक है। बाद में हमारा आता है ये वाला डीसी मोटर भी हमारे ये वाले प्रोजेक्ट में चाहिए होगा, ठीक है। लेकिन इसीलिए हमने डीसी मोटर का यूज़ किया है क्योंकि हमारा जो पावर जनरेटर है इसको, इसका हमने जो धूप से हमारी जो बिजली उत्पन्न होने वाली है उसके लिए हमको ये वाला चाहिए होगा, ठीक है। ये डीसी मोटर हमारा है। तो गाइस, अभी हमारा कनेक्शन रेडी हो चुका है। इसमें मैंने क्या किया है कि हमारा जो नीचे का जो हमारा PVC पाइप था उसको लगा दिया है, ठीक है। हमारा जो जम्बो, क्या बोलते हैं इसको, सोलर पैनल था, उसको हमने इसका जो नेगेटिव वायर है वो बजर के नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया है। उसका पॉजिटिव वायर वो भी इसका पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। बाद में हमें आते हैं मिनी सोलर पैनल का, ठीक है। इसमें भी सेम, इसमें जो कनेक्शन किया था वही सेम कनेक्शन हमने LED लाइट में किया है, ठीक है। तो अभी धूप में जाके हम पूरा कनेक्शन रेडी करते हैं, ठीक है। अभी हम धूप में जाएंगे और बाद में हमारा कनेक्शन रेडी करते हैं। गाइस, अभी हम छत में आ चुके हैं। तो अभी हमारी धूप के वजह से, देखे यहाँ पर मैंने कपड़े से हमारी जो सोलर है वो सोलर को हमने ढक दिया है क्योंकि हमारा बहुत पवन की वजह से हिल रहा है, ठीक है। अभी जैसे ही मैं लेता हूँ, देखिए हमारा बजर ऑन हो चुका है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर हमारी LED लाइट भी चल रही है। यहाँ पर जैसे ही हाथ रखता हूँ, जैसे देखिए ऑफ हो गई। अभी देखना, देख पा रहे हो आप, जैसे ही मैं इसको ऐसे रखता हूँ ऐसे ही बजर हमारा ऑफ हो जाएगा, और जैसे ही ले लेता हूँ ऐसे ही हमारा बजर ऑन हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।